नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2023 में तो केकेआर नहीं जीत पाई, लेकिन आईपीएल 2024 में केकेआर पक्का चैंपियन बनेगी। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और ये दावा क्यों किया जा रहा है, क्यों सोशल मीडिया पर ये बात लगातार की जा रही है कि 2024 में केकेआर चैंपियन बनकर निकलेगी, उसके पीछे की वजह मैं आप लोगों को बताऊंगा। दरअसल आईपीएल 2023 में जो केकेआर का प्रदर्शन रहा है वो ना ज्यादा खराब रहा ना ज्यादा बेहतर रहा, एक मिला जुला प्रदर्शन केकेआर का रहा। केकेआर भी पॉइंट टेबल में 14 पॉइंट्स तक पहुंची थी, अगर थोड़ा और बेहतर होता तो शायद केकेआर क्वालिफायर करने वाली टीम भी बन सकती थी, लेकिन कुल मिलाकर केकेआर ने एक मिला जुला प्रदर्शन किया। जिस तरीके से केकेआर के पास कप्तान नहीं था, एक शानदार बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर नहीं थे, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो केकेआर का जो प्रदर्शन है वो एक बेहतर माना जा सकता है, एवरेज माना जा सकता है। लेकिन अब यह बात क्यों कही जा रही है कि 2023 के 2024 में केकेआर चैंपियन बनेगी, उसके पीछे की वजह है, उसके पीछे की वजह एक खिलाड़ी है, उसके पीछे की वजह वो एक खिलाड़ी है जिसके आते ही केकेआर में ताकत आ जाएगी, जिसके आते ही केकेआर चैंपियन बन जाएगी। उसका नाम है श्रेयस अय्यर। जी हां, 2023 में श्रेयस अय्यर चोट की वजह से नहीं थे, लेकिन 2024 में श्रेयस अय्यर वापस आ जाएंगे। अब श्रेयस अय्यर के आने के बाद क्या बदलेगा, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेयस अय्यर के आने के बाद सबसे पहले कप्तानी की एक नीति बदलेगी, रणनीति बदलेगी। श्रेयस अय्यर एक बेहतर सोच और समझ के है। श्रेयस अय्यर ने ये चीजें करके भी दिखाई हैं। हालांकि नीतीश राणा ने भी अच्छी कप्तानी की, लेकिन शुरुआत के कुछ मैचों में नीतीश राणा बिखर गए थे और वहां पर केकेआर थोड़ी सी फिसली हुई नजर आ रही थी। बाद में केकेआर ने हालांकि कमबैक अच्छा किया, लेकिन शुरुआत के मैचेस में अगर थोड़ा सा और बेहतर होता तो शायद केकेआर क्वालिफायर करने वाली टीम बन जाती। इसीलिए एक बेहतर कप्तान का होना जरूरी है, जो श्रेयस अय्यर के आते ही केकेआर को मिल जाएगा और कप्तान के तौर पर एक बेहतर टीम केकेआर नजर आएगी। उसके बाद में दूसरी वजह है नंबर तीन का बल्लेबाज। नंबर तीन पर भी श्रेयस अय्यर का जैसा बल्लेबाज नहीं है, श्रेयस अय्यर एक बेहतर और सुलझे हुए बल्लेबाज हैं। आप अंदाजा लगाइए, नंबर तीन पर विराट कोहली ने नंबर ओपनिंग करते हुए विराट कोहली ने आरसीबी के लिए बहुत सारे रन बनाए। उसके बाद में अगर गुजरात की बात करें तो ओपनिंग करते हुए शुभमन गिल ने बहुत सारे रन बनाए, लेकिन केकेआर के पास कोई ऐसा खिलाड़ी मौजूद नहीं था जिसने ओपन करते हुए इतने सारे रन बनाए हो। एक खिलाड़ी था वेंकटेश अय्यर, उसने शतक भी लगाया लेकिन वो कंसिस्टेंसी से रन नहीं बना पाए। इसीलिए नंबर तीन पर श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी अगर केकेआर में होता तो शायद कुछ और मुकाबले केकेआर जीत सकती थी, क्योंकि श्रेयस अय्यर को पता है कि किस तरीके से किस सिचुएशन में किस गेंदबाज के खिलाफ किस तरीके से खेलना है, मैच को कैसे जिताया जाता है। वो भी विराट कोहली की तकनीक के मुताबिक ही खेलते हैं, उसी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, पारी को आगे चलाना जानते हैं, पारी को बढ़ाना जानते हैं। और अगर श्रेयस अय्यर शायद इस साल होते तो बेहतर होता। इसीलिए जब 2024 में श्रेयस अय्यर आएंगे तो ना केवल टीम को मजबूत करेंगे बल्कि चैंपियन भी बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से केकेआर की टीम की मजबूती इस वक्त नजर आ रही है, केकेआर ऊपर से लेकर नीचे तक एक बेहतर और मजबूत टीम नजर आ रही है। केकेआर के पास जेसन रॉय के तौर पर अच्छा ओपनर हो गया है, एक नंबर तीन नंबर चार के लिए अच्छा नीतीश राणा जैसा बल्लेबाज हो गया है, फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह जैसा एक खिलाड़ी हो गया है, शार्दुल ठाकुर जैसे एक ऑलराउंडर हो गया है, श्रेयस शर्मा जैसा एक अच्छा स्पिनर हो गया है। तो केकेआर की टीम एक मजबूत और अच्छी नजर आ रही है। बस अब जरूरत है तो श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी की जो कप्तानी और बल्लेबाजी बेहतर कर सके। जैसे ही श्रेयस अय्यर वापस आ जाएंगे केकेआर दोबारा से वही चैंपियन टीम नजर आएगी। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में श्रेयस अय्यर के आने के बाद केकेआर की टीम की ताकत दुगनी हो जाएगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।